हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रुबीन शाये, आज मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी क्रिसमस। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खूबसूरत सी प्यारी सी चरनी की वीडियो कि ये चरनी हमने किस तरीके से बनाई है। तो आज हम आपको ये बनाना सिखाएंगे और आपने बिना स्किप किए फुल वीडियो को वॉच करना है। चरनी बनाना स्टार्ट करते हैं। चरनी बनाने के लिए हमें एक खूबसूरत सा प्यारा सा बॉक्स लेना है। ये बॉक्स मुझे बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये बॉक्स लेना चाहिए। मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे प्लीज़ एक ख़ूबसूरत सा प्यारा सा बॉक्स ला के दें जिसकी मैं चरनी बना सकूँ। तो मेरे पापा ने मुझे ये बॉक्स ला के दिया। आप देखें, इसकी चारों तरफ स्टिक्स लगी हुई हैं। ये स्टिक्स जो हैं इस बॉक्स को अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगी और इसके बीच में एक इन लोगों ने गिफ्ट पेपर भी दिया है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा सा गिफ्ट पेपर है। इसके बीच में ब्लैक पेपर है और ऊपर से ये ब्राउन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ एक खूबसूरत सी चरनी को शेयर करें। बॉक्स कवर वाला था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका जो कवर है इसे मैंने वॉल के साथ ज्वाइन कर दिया था और इसके साथ ही मैंने स्कॉच टेप लगाई। इसी तरीके से स्कॉच टेप को यूज़ करेंगे और गिफ्ट पेपर लगा देंगे नाइट के लिए। ये नाइट का व्यू मैंने बनाया है और नीचे ब्राउन है और आप देख सकते हैं ये स्टिक्स इसके साथ ही मिली थी, तो मैंने स्टिक्स को हाफ बॉक्स को यूज़ किया है। ये बॉक्स बहुत बड़ा था और मैंने सोचा चरनी बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, लेकिन यह है कि फिर भी इसने जगह बहुत ली और बहुत खूबसूरत चरनी है। ये न्यू चरनी आई है, ये पेपर चरनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना पेपर चरनी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बहुत खूबसूरत लग रही है कि इसे हम किस तरीके से क्रिएट कर एक खूबसूरत और बड़ी सी प्यारी सी चरनी बना सकते हैं। चरनी बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार हो रही है और अच्छे तरीके से इसके साथ अटैच भी हो गई है। आप देख सकते हैं मदर मैरी है, यूसुफ है और बेबी जीसस है, मजूसी हैं और मजूसी के देखें ये कैमल्स भी हैं जिन पर ये खुद आए थे, और साथ में आप देख सकते हैं कि चरवाहे हैं जिनके पास गायें हैं, बकरियां हैं, यानी कि सब तोहफे लेकर आए थे। तो बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा एंजल है हमारे पास, और आप सितारे को देख सकते हैं। सितारे को देखकर तो ये सब लोग आए थे, मजूसी आए थे, तारे को देखकर चरवाहे और बहुत सारे गिफ्ट्स चरवाहे और मजूसी बेबी जीसस के लिए लेकर आए थे। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में मैंने खूबसूरत से वाइट कलर के पत्थर रखे हैं ताकि चरनी को मजबूत रखें और उसकी खूबसूरती को बढ़ाएँ। इसी तरीके से मैंने इसके बीच में बहुत सारे पत्थर डाल दिए हैं, ये वाइट कलर के पत्थर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चरनी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना और अच्छा बनाना है तो मैं अच्छे से थोड़े से डेकोरेशन करनी है तो पत्थर यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए में ये बहुत खूबसूरत और प्यारे और अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से आपने इसे अच्छे तरीके से डेकोरेट करना है, इससे चरनी और ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। ये वाइट कलर के जो पत्थर हैं इनकी भी शाइनिंग होती है और ये भी चरनी को खूबसूरत और प्यारा कर देते हैं। इसी तरीके से आपने चरनी को डेकोरेट करना है और सारी इसकी जो फिलिंग है वो पत्थरों से कर दूंगी। तरीके से चरनी बहुत खूबसूरत सी और अच्छी से तैयार हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हमें ग्रीन कलर की घास भी यूज़ करनी चाहिए। ये सूखी ग्रीन कलर की घास है जो अच्छी लगती है चरनी बनाने के लिए। चारों तरफ मैंने ये घास लगा दी है ताकि अच्छे तरीके से चरनी खूबसूरत सी और प्यारी सी लगे। चरनी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। इसके बीच में हम लाइटें लगाएंगे। लाइटें जो हैं वो पत्थरों के बीच में से और ग्रीन कलर की घास के बीच में से जाएगी ताकि जो लाइटें हैं वो नज़र आएँ और लाइट जो है वो कम नज़र आए। लेकिन वायर हमारे पास ब्लैक है तो वायर नज़र आएगी। ये आपको दिखाने के लिए कि वायर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और लाइटें कितनी खूबसूरत और प्यारी लगेंगी। इसी तरीके से लाइटें हमने सारी लगा दी हैं और बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी चरनी तैयार हो गई है। रिश्ते ने मरियम से कहा, मरियम खौफ ना कर, अल्लाह की तरफ से तुझ पे फजल होगा
और तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, कूप के घर अबद तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। लूका पहला बाप 20 से 33वीं आयत। 25 दिसंबर जीसस क्राइस्ट के पैदाइश का दिन था, जो हम बहुत खुशी से और अपनी फैमिली के साथ मिलकर मनाते हैं। 25 दिसंबर वो दिन मनाया जाता है जिस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी और जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई थी, और सितारे को देखकर मजूसी सोना और लुबान और मुर नज़र गुजराना किया था, और इनके साथ चरवाहे थे जिनके पास भेड़ और बकरियां थीं। उसी और चरवाहे जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, और जीसस क्राइस्ट की पैदाइश बैतलहम में हुई थी, और हम सब लोग आज जीसस क्राइस्ट की पैदाइश का दिन मनाते हैं। फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये आपकी तरफ से हमें गिफ्ट होता है।